प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है ईमानदार आइसक्रीम वाला। गांव के नजदीक एक आइसक्रीम वाला रहा करता था। रोज रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास जाकर आइसक्रीम को बेचा करता था, जिसका नाम रामू था। सभी बच्चे उसे रामू काका कहकर पुकारा करते थे, और रामू काका भी रोज बच्चों के लिए रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर स्कूल के पास बेचा करते थे, और इसी आइसक्रीम से उनके घर का गुजारा भी चलता था। बच्चे बहुत प्यार करते थे रामू काका को, और रामू काका तो बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर बहुत खुश होते थे। चाहे बच्चों के पास पैसे हो चाहे ना हो, लेकिन रामू काका उन्हें आइसक्रीम रोज खिलाया करते थे और बोलते, कोई बात नहीं बेटा, जब कल आपके पास पैसे होंगे तब मुझे दे देना। तो कई लोग रामू काका को बोलते, क्या रामू काका ऐसे कोई आइसक्रीम बेचा करता है? तुम बच्चों को फ्री में आइसक्रीम क्यों खिलाते हो? तो रामू काका बोलते, मुझे बच्चों को आइसक्रीम खिलाने में बहुत मजा आता है। जब ये छोटे छोटे बच्चे खुश होते हैं ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है उन्हें आइसक्रीम खिलाकर। फिर वैसे ही रोज रामू काका बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर अपने घर की ओर चल देते थे। इसी तरह रामू काका की रोज की दिनचर्या थी। एक दिन रामू काका आइसक्रीम बेचकर अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो अचानक एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे पीछे चल दिया। शायद रामू काका को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा कि एक छोटा सा बच्चा उनके पीछे आ रहा है। रामू काका बस अपनी मस्ती में आइसक्रीम बेचते बेचते अपने घर चले गए और रोज की तरह खाना बनाकर बस खाकर सो गए। जैसे ही थोड़ी रात हुई, तभी उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। वह घर के बाहर आकर देखने लगे कि आवाज कहां से आ रही है रोने की। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, तो वह घर के अंदर जाकर फिर से सो गए। लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर से आने लगी, तो रामू काका अपने घर के बाहर निकलकर ढूंढने लगे कि ये बच्चा कहां रो रहा है। जब उन्होंने ध्यान से देखा, तो अंधेरे में एक छोटा सा बच्चा बैठकर रो रहा था। रामू काका उसके पास गए और बोले, अरे बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो और यहाँ पर कैसे आए तुम? इतनी रात को कौन तुम्हें यहाँ लेकर आया? वह बच्चा रोते रोते रामू काका से बोला, काका, जब आप स्कूल से आइसक्रीम बेचकर आ रहे थे ना, तो मैं आपके पीछे पीछे ही आ गया था। रामू काका ने बोला, क्या नाम है तुम्हारा और तुम मेरे पीछे क्यों आए? वह बच्चा बोला, मेरा नाम श्याम है और मैं अपने घर से आज आपके पीछे पीछे ही आ गया। मुझे अपने घर नहीं जाना, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मुझे अपने घर जाना है। रामू काका, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। रामू काका हैरान हो गए कि यह बच्चा मेरे पीछे क्यों आया और अब अपने घर जाने की जिद कर रहा है। रामू काका उसे अपने घर के अंदर लेके आए और पूछने लगे कि क्यों मेरे पीछे आए तुम और तुम अब घर जाने की जिद क्यों कर रहे हो? तो बच्चा बोला कि रामू काका, मेरी माँ बाबूजी से लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैं उनसे लड़के आपके पीछे पीछे आ गया। मुझे उनसे बात नहीं करनी थी, लेकिन अब मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। मैं माँ के बिना नहीं रह सकता। मुझे माँ के पास छोड़ाओ। मैं रात को माँ के पास ही सोता हूँ। मुझे माँ खाना खिलाती है अपने हाथों से। रामू काका ने उसे समझाया कि देखो बेटा, बहुत रात हो गई है और इस वक्त मैं आपको अपने घर नहीं छोड़ने जा सकता। सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊंगा। जैसे तैसे रामू काका ने उस बच्चे को समझाया बुझाया और उसे सुला दिया। अब सुबह होते ही रामू काका उस बच्चे को लेकर स्कूल की तरफ रवाना हुए। जब रामू काका उसको स्कूल की तरफ ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्होंने देखा कि स्कूल के पास उस बच्चे के माता पिता स्कूल में पहले से ही थे, जो श्याम के बारे में पूछताछ कर रहे थे और उसके दोस्तों से पूछ रहे थे कि तुमने हमारे बेटे को कहीं देखा था कल? किसके साथ गया वो? किसी अनजान व्यक्ति के साथ तो नहीं जा रहा था?
कहाँ था वो, कल किसके साथ था, कहीं कहाँ चला गया हमारा श्याम। अब रामू काका ने जैसे ही उसके माता पिता को उसके दोस्तों से बात करते हुए देखा तो उन्होंने श्याम को बोला, देखो श्याम, तुम्हारे माता पिता कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हारे बिना, देखा तुमने। तभी माँ ने रामू काका के साथ श्याम को देखा तो माँ भागते हुए श्याम के पास आई। श्याम, कहाँ चले गए थे तुम, तुम हमें बिना बताए कैसे चले गए, और तुम स्कूल से कहाँ चले गए थे बेटा। पिताजी ने भी श्याम को अपनी गोद में उठा लिया और रामू काका को गले लगाकर बोले, रामू काका, आज आपने हमारी बेटी की जान बचा ली, हमें तो मालूम ही नहीं था हमारा बच्चा कहाँ चला गया। रामू काका ने उन्हें आराम से समझाया, बोला, देखो क्या बात हो गई थी श्याम के साथ। तो उन्होंने समझाया कि श्याम किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा था, इसी वजह से हमने उसको थोड़ा सा बस डांटा था, इसी वजह से वह आपके साथ हमें छोड़कर चला गया। तभी रामू काका ने एक दुकान पर जाकर श्याम को कुछ खिलौने लेके दिए और बोले, देखो श्याम, कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के पीछे नहीं जाना चाहिए और ना ही किसी अनजान व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करनी चाहिए, तुमने यह गलत किया और माता पिता की हमेशा बात को मानना चाहिए। श्याम बोला, ठीक है रामू काका, मैं हमेशा माता पिता की बात को मानूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। रामू काका ने कहा, मैं तुम्हें रोज आइसक्रीम खिलाऊंगा, लेकिन बस इस शर्त पे कि तुम अपने माता पिता की बात को मानोगे। देखा बच्चों, ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यही कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति से ना तो बात करनी चाहिए और ना ही उसके पीछे या कहीं उसके साथ जाना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है लालची आइसक्रीम वाला। गांव के नजदीक एक छोटा सा शहर था, जिस शहर में एक रमेश नाम का आइसक्रीम वाला रहता था। अपने पिता की तरह बहुत अच्छी अच्छी स्वादिष्ट रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाया करता था, जैसे कि उसके पिता ने उसको सिखाया था। काफी पसंद करते थे बच्चे उसकी आइसक्रीम, रोज रमेश के आने का इंतजार करते और उसके आते ही उसकी रेड़ी के पास खूब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते और आइसक्रीम खाने आते। रोज की तरह रमेश आज भी रंग बिरंगी आइसक्रीम बनाकर निकल पड़ा गांव की ओर और फिर बच्चों को पुकार पुकार कर आइसक्रीम बेचने लगा, ले लो बच्चों, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, बहुत स्वाद, अच्छी लगेगी तुम्हें, आजो आजो बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, ले लो आइसक्रीम। बच्चे सुनकर रमेश की आवाज को घर से तुरंत भाग उठते और सारी आइसक्रीम देखते ही देखते खत्म हो जाती। अब रमेश रोज यही काम करता था, आइसक्रीम लाता, बेचता और अपने घर की ओर निकल जाता। उसी गांव में एक रोहित नाम का बच्चा रहता था, उसकी मम्मी उसे आइसक्रीम नहीं लेने देती थी, शायद इसलिए क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब सी थी। उसका भी मन करता कि मैं इस आइसक्रीम को लेकर खाऊं, बहुत मन होता इस रंग बिरंगी आइसक्रीम को, कैसे खाते हैं बच्चे, मैं भी इसका स्वाद चखूं। फिर एक दिन उस बच्चे का बहुत मन हुआ कि वह आइसक्रीम खाए। जैसे ही आइसक्रीम वाला गांव के अंदर आया और वही गीत गाकर बच्चों को बुलाने लगा, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी, रंग बिरंगी आइसक्रीम लाया हूँ, जल्दी से आ जाओ, सारी आइसक्रीम खा जाओ, आ जाओ बच्चों। जैसे ही बच्चे ने आइसक्रीम वाले की आवाज सुनी, वह बच्चा झट से बाहर आ गया और घर के बाहर खड़ा होके देखने लगा कैसे सभी बच्चे आइसक्रीम की रेड़ी पर उस आइसक्रीम वाले से सभी आइसक्रीम ले रहे हैं। तभी उस बच्चे के मन में विचार आया कि क्यों ना मैं भी आइसक्रीम खाऊं, आज मेरा बहुत मन है आइसक्रीम खाने को। थोड़ी देर में वही बच्चा आइसक्रीम वाले के पास आया और बोला, भैया ये आइसक्रीम मुझे भी दे दो, इसके बदले में मेरे पास पैसे नहीं है, ये मेरी माँ की एक चेन रख लो, इसके बदले में मुझे एक आइसक्रीम दे दो। रमेश बोला, अरे बेटा ये क्या,
आप तो अपनी मम्मी की चेन उठा कर ले आए। आपको नहीं मालूम ये सोने की चेन है, ये बहुत महंगी होती है। इसके बदले में आइसक्रीम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ अभी और अपनी मम्मी से पूछ के आओ, मैं तभी आइसक्रीम दूंगा। बच्चा जिद करने लगा। रोहित बोला, भैया प्लीज मुझे आइसक्रीम दे दो ना, मेरा बहुत मन है खाने का। आप रख लो इसको, इस चेन को आप रख लो, मैं पैसे बाद में दे दूंगा, आप इस चेन को भी रख लो। रमेश ने काफी समझाया मगर रोहित को कुछ समझ नहीं आया, वह नहीं समझ रहा था इस बात को। फिर रमेश ने उसे एक आइसक्रीम पकड़ाई और बोला, ये चेन जाकर अपनी मम्मी को वापिस कर देना और जब तुम्हारे पास पैसे होंगे ना तब मुझे इस आइसक्रीम के पैसे दे देना। ये कहकर रमेश फिर वैसे ही बच्चों को गीत गाता पुकारता हुआ निकल गया। अब रोहित स्वाद से आइसक्रीम खाने लगा। जैसे ही आइसक्रीम खा रहा था तभी दूसरे आइसक्रीम वाले की आवाज आने लगी कि लगता है गली में कोई फिर से आइसक्रीम वाला आ रहा है। आ जाओ बच्चों, आइसक्रीम ले लो, देखो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खा लो बच्चों, आ जाओ बच्चों, जल्दी जल्दी आओ, आइसक्रीम खाओ। रोहित ने जैसे ही आवाज सुनी उसके मन में एक तरकीब आई, अगर उसी आइसक्रीम वाले की तरह मैं इस आइसक्रीम वाले को भी चेन दूंगा तो शायद वो मुझे फिर से एक आइसक्रीम दे और मेरी चेन फिर मुझे वापस लौटा दे, तो ऐसे तो मैं चेन भी मेरी वापस आ जाएगी और मुझे आइसक्रीम भी मिल जाएगी। ये सोचकर रोहित उसकी ओर बढ़ा और आइसक्रीम वाले के पास जाकर बोला, भैया मुझे भी आइसक्रीम दे दो, इसके बदले में ये चेन रख लो। आइसक्रीम वाला पहले तो ध्यान से देखने लगा, ये क्या, अच्छा आइसक्रीम के बदले चेन, ठीक है बेटा एक नहीं दो आइसक्रीम लो, लो मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम, लो खाओ खाओ। रोहित खुश हो गया, जैसे ही दो आइसक्रीम देखी भूल गया वो चेन को कि मेरी माँ की चेन मैं आइसक्रीम वाले को दे रहा हूँ। उस आइसक्रीम वाले ने चेन को झपट कर पकड़ लिया और अपनी जेब में रख लिया और तुरंत उस गली से निकल गया। उसे लगा कहीं ये बच्चा वापिस ना आ जाए मुझसे चेन मांगने के लिए और निकल गया उस गली से। अब रोहित उस दोनों आइसक्रीम को आराम से स्वाद लेता हुआ खाता हुआ मजे से अपने घर चला गया। जैसे ही घर पहुंचा देखा अम्मा बहुत उदास है, क्या हुआ, इधर उधर कुछ ढूंढ रही है। माँ ने रोहित से बोला, बेटा रोहित आ गए तू, अच्छा ये बताओ तुमने मेरी चेन देखी है, पता नहीं कहाँ रख दी मैंने, सुबह से ढूंढ रही हूँ कहीं नहीं मिल रही, बेटा तुमने कहीं देखी है। अब रोहित सोचने लगा, अगर मैंने माँ को उस चेन के बारे में बताया कि वो चेन तो मैं आइसक्रीम वाले को दे चुका हूँ तो माँ मुझे शायद मारेगी, ये ठीक नहीं रहेगा, मैं माँ को बताता ही नहीं हूँ। तभी रोहित बोला, माँ कौन सी चेन, नहीं मैंने तो कोई चेन नहीं देखी, मुझे नहीं मालूम माँ चेन का। फिर माँ बोली, कोई बात नहीं ठीक है, तुम हाथ मुंह धोकर कुछ खा लो, मैं खुद ढूंढ लूंगी। रोहित अपने कमरे में चला गया लेकिन उसे लगा मैंने कुछ गलत किया है। जब बाहर आकर फिर माँ को देखा तो माँ बहुत बेचैन थी और एक जगह बैठकर कुछ सोच रही थी। रोहित को लगा आज मैंने कुछ गलत किया है, वह माँ के पास आया और बोला, माँ आपसे एक बात बोलूं, आप गुस्सा तो नहीं करोगी, आज मैंने आपसे बहुत झूठ बोला। माँ बोली, कैसा झूठ बेटा, मैं क्यों मारूंगी तुम्हें, अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं कभी नहीं मारूंगी, तुम मुझे बताओ क्या बात है, किस वजह से तुम परेशान हो। रोहित बोला, माँ आज मैंने आपसे एक झूठ बोला, आपकी जो चेन खो गई है ना माँ, वो मैंने ही ली थी, मैंने उसके बदले में आइसक्रीम वाले से आइसक्रीम ले ली। माँ बोली, रोहित ये क्या किया तुमने, चेन के बदले आइसक्रीम। हाँ माँ आप मुझे आइसक्रीम के पैसे नहीं दे रही थी ना, तो मुझे चेन के बदले में आइसक्रीम लेनी पड़ी, मैंने चेन उस आइसक्रीम वाले को दे दी
और उसके बदले में उसने मुझे 2 आइसक्रीम दी। माँ परेशान हो गई। बेटा गलत किया तुमने, ऐसा नहीं करते। बेटा आपने मुझे बताया क्यों नहीं, ना ही मुझसे कुछ पूछा। आप मुझे बोलते, मैं तुम्हें आइसक्रीम के पैसे दे देती। माँ गलती हो गई, अब कैसे करोगे? माँ माँ आप कैसे करोगी? माँ ने बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम उस आइसक्रीम वाले को पहचानते हो? रोहित बोला, हाँ माँ मैं उसे पहचानता हूँ, वो शाम को हमारी गली में आता है। माँ ठीक है, जब वो शाम को आए तो तुम मुझे बताना। ठीक है माँ। अब रोज की तरह रोहित उस दिन खेल रहा था, तभी अचानक फिर से गली में एक आइसक्रीम वाला आया। ले लो बच्चों मीठी मीठी आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आ जाओ। माँ ने जैसे ही आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ तुरंत गई और बोली, भैया सुनो ज़रा, कल मेरे बेटे ने तुमसे ही आइसक्रीम ली थी ना, उसने तुम्हें एक चेन दी थी। अब वो आइसक्रीम वाला तो रमेश था, लेकिन रमेश तो बहुत ईमानदार था, उसने तो उसकी चेन नहीं ली थी। रमेश बोला, नहीं नहीं मेम साहब, मैंने आपके बेटे की चेन नहीं ली, बल्कि मैंने उसे समझाया था कि माँ की चेन को ऐसे बाहर नहीं लेके आते, और इसके बदले में मैं तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं दूंगा। लेकिन मेम साहब जब वो बच्चा जिद करने लगा, तब मैंने उसको आइसक्रीम फ्री में दी थी और बोला था जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब मुझे लौटा देना, लेकिन ये चेन जाकर अपनी माँ को ही देना। अब माँ चुपचाप हो गई कि ये क्या कह रहा है। तभी माँ ने रोहित को आवाज लगाई, रोहित क्या यही आइसक्रीम वाला था वह? तो रोहित बोला, नहीं माँ वो आइसक्रीम वाला तो दूसरा था। तभी गली से दूसरा वाला आइसक्रीम वाला निकला। वो आइसक्रीम वाला सोच रहा था, कल इस गली में गया था तो एक चेन मिली थी, हो सकता है वही बच्चा दोबारा कोई चेन लेके आ जाए, या कोई दूसरा बच्चा कुछ और लेके आ जाए, वहीं जाता हूँ, देखो आज क्या मिलता है। फिर आ गया उस गली में और बोला, ले लो बच्चों ठंडी ठंडी आइसक्रीम, जल्दी जल्दी आओ, रंग बिरंगी आइसक्रीम, खा लो बेटा। माँ ने जैसे ही उस आइसक्रीम वाले की आवाज़ सुनी, माँ ने तुरंत उसे आवाज़ लगाई, ओ आइसक्रीम वाले भैया इधर आओ जरा। अब रमेश भी वहीं खड़ा था और माँ भी और रोहित भी। माँ ने रोहित से पूछा, क्या बेटा यही आइसक्रीम वाला था वो? तो रोहित ने बोला, हाँ माँ यही था। अब माँ ने गुस्से से उस आइसक्रीम वाले को बोला, तुम्हें समझ नहीं आती क्या, तुम एक बच्चे से एक चेन लेकर उसके बदले में आइसक्रीम दे रहे हो, ये सिखाते हो सब बच्चों को? अब आइसक्रीम वाला डर गया। माँ ने गुस्से से बोला, मैं गली में सब लोगों को बुलाती हूँ और बताती हूँ कि ये लालची आइसक्रीम वाला है, मेरे बच्चे से चेन के बदले में आइसक्रीम देकर गया। वे आइसक्रीम वाला डर गया, बोला, नहीं नहीं मेम साहब आप किसी को मत बुलाइए, ये लीजिए अपनी चेन, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आप किसी को मत बोलिए कुछ भी, ये लीजिए अपनी चेन और मैं चला जाता हूँ। और फिर उस आइसक्रीम वाले ने वो चेन लौटा दी। देखा बच्चों, रोहित ने आज कितनी बड़ी गलती की थी, अपनी माँ की इतनी कीमती चेन को उस आइसक्रीम वाले को दे दिया। लेकिन रमेश जैसे आइसक्रीम वाले ने अपनी ईमानदारी दिखाई और उस दूसरे आइसक्रीम वाले ने अपनी लालच को दिखाया। देखो बच्चों, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन हमें सब पर भरोसा नहीं करना चाहिए।